Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. भारत की शीर्ष दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड मर्जर के दौरान दी गई बैंक गारंटी 3322 करोड़ रुपए के रिकवरी के लिए TDSAT का रुख किया है। जानकारी के लिए बता दें कि वोडाफोन इंडिया और आइडिया सेलुलर ने विलय की मंजूरी मिलने के लिए डॉट को विरोध में इस राशि की भुगतान की थी। पूर्व शर्त के रूप में वन टाइम स्पेक्ट्रम चार्जेस के कारण दूरसंचार विभाग यानी कि डॉट को यह बैंक गारंटी प्रदान की गई थी। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने अपनी याचिका में बैंक गारंटी की मांग पर मनमानी, भेदभावपूर्ण, अवैध और लागू न करने योग्य बैंक गारंटी की मांग की बात कही। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने TDSAT को अपनी याचिका में प्रत्येक बैंक गारंटी की तत्काल वापसी की मांग की है। अब TDSAT द्वारा इस मामले की अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को होनी है। बता दें कि सितंबर में वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने जमा की गई स्पेक्ट्रम चार्जेस डॉट से पूर्ण मूल्यांकन की मांग की थी। याचिका में वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का यह भी कहना है कि इस राशि की दोहरी गणना हुई है। अब अगर नई इकाई टेलीकॉम डिस्प्यूट एंड एपिलेट ट्रिब्यूनल की सुनवाई से खुश नहीं होते हैं तो वे सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में दोबारा अपनी याचिका दायर कर सकते हैं। टेलीकॉम न्यूज की रिपोर्ट। फॉर द लेटेस्ट टेलीकॉम न्यूज सब्सक्राइब टू दिस चैनल नाउ।